श्री साई संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रजमोहन सूद के नेतृत्व में 30 सदस्यीय विश्व शांति रैली सड़क मार्ग से 1 जुलाई को गुजरात से आरंभ होकर राजस्थान होते हुए 2 जुलाई को गोरखपुर पहुंची, जहां 3 जुलाई को सुबह एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा विश्व शांति रैली को तिरंगा दिखाकर काठमांडू के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि 30 सदस्यीय दल चीन होते हुए 15 देशों का सड़क मार्ग से विश्व में शांति का संदेश देते हुए 12 अगस्त को लंदन पहुंचेगा और 15 अगस्त को वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जो प्रस्थान किया नेपाल के लिए मोतीपुर से लोहाबाग पादरी खजांची पटर हवा पे जाएंगे। शांति यात्रा गुजरात से संस्था ने निकाली थी, जिसमें 10 गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से विश्व शांति की मैसेज को, भारत के इस मैसेज को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए 15 देशों से गुजरते हुए 12 अगस्त को लंदन जाने के लिए यहां पर आए थे। गोरखपुर में कल रुके थे, आज सुबह उनको सद्भावना के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आज वो नेपाल के रास्ते चीन और रूस होते हुए वो लंदन में 15 अगस्त को अपना तिरंगा फहराएंगे। ये गुजरात से चले थे, राजस्थान और होते हुए यहाँ पर आए थे। क्या उद्देश्य? इनका उद्देश्य विश्व शांति का है। हिंदुस्तान का जो हमारा मेन ध्येय है, पूरे विश्व में शांति हो, उस ध्येय को लेते हुए तिरंगे झंडे के साथ इन्होंने रैली निकाली है और 15 देशों को होते हुए 15 अगस्त को ये लंदन में फहराएंगे। क्या